अल्लाम वरहि वर्कू माशा माशा अलहमदिल्ला आज शाहीन का हमने बहुत नाम सुना था और हर जगह हमने शाहीन का वो लोगो भी देखा था कि अलहमदिल्ल अलहमदिल्ला हमारी मिलत में ऐसे इदारे भी हैं जहाँ पर इतना अच्छे इतने बढ़िया इंतज़ाम के साथ हमारे बच्चों की तालीम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हादिया ई मैगज़ीन जैसा कि हम सब जानते हैं आज सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है हमारी अपनी ज़िंदगियों में तो जहाँ हम हमारे इथिक्स को हमारे ख़यालत को ख़राब करने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो ऐसी जगहों पर कुछ अच्छी चीज़ें भी होनी चाहिए है ना उसका आज तो हम उसको छोड़ कर जा नहीं सकते उसको छोड़ कर हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा अहम हिस्सा बन गया है तो हमें ये देखना है कि हम उसका कैसे अच्छे इस्तेमाल करेंगे उसका जो इस्तेमाल है वो कैसा हमारे लिए फ़ायदा साबित हो ये मीनस एक वक्त को ऐसे ही बिता देना उस पर नहीं बल्कि वो हमारे लिए कारामत कैसे हो इस पर हमको भी ग़ौर करना है और हमारे जो मिलत के रहबर और रहनुमा हैं उनको भी ये काम करना है कि इन सोशल साइट्स पर हम ऐसे ए, मवाद को या ऐसे कंटेंट को हम वहाँ रखें जिससे जहन हमारे एक कारामत चीज़ की तरफ भी जाएं तो इसके लिए कोशिश की गई और हमने हादिया ई मैगज़ीन उर्दू में हमने स्टार्ट किया इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हमने और यू आर ए और ई मैगज़ीन हमने लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह मार्च और ट्वेंटी फर्स्ट से टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है मंथली ई मैगज़ीन है इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है आप लोग भी जब भी आपको मौका हो आप तमाम ही सोशल साइट्स पर जाकर इसको देख सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं और फिर आप अपने व्यूज़ भी इसमें दे सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा और फिर आपके अंदर भी जो स्किल्स हैं टैलेंट्स हैं उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग के तौर पर कोई भी सब्जेक्ट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं क्या चीज़ें उस पर आप लोग भी ग़ौर करके आप भी लिख सकते हैं आपके लिए भी वहाँ जगह है लिखने के लिए उसको भी हम शाये करेंगे इन तो ये दोनों जबानों में भी हमने दो टू लैंग्वेजेस में उर्दू और इंग्लिश में हमने इसको लॉन्च किया है और साथ में भी हिंदी लैंग्वेज में भी इसको लॉन्च करने का इरादा है अब इसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहूँगी एज ए स्टूडेंट हमको क्या करना है अब देखिए मैं समझती हूँ कि हमारा जो ये एज का ये जो पड़ाव है हम यहाँ पर नौजवान हैं है ना जितनी भी लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं यूथ हैं हम नौजवान हैं हम और नौजवानी बहुत अहम होती है ज़िंदगी में बचपन होता है जिसमें हम डिपेंड होते हैं अपने माँ बाप पर घर के बड़ों पर और बुढ़ापा आता है तब भी डिपेंड हो जाते हैं है ना? लेकिन ये जो पीरियड होता है जवानी का यूथ का ये पीरियड बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है हमारी अपनी ज़िंदगी का तो अब इसके लिए आपने क्या किया बहुत सारी रंगीनियाँ हैं बाहर दिलचस्पियाँ हैं इस इंस्टीट्यूशन के बाहर भी लेकिन आपने क्या किया वो सारी दिलचस्पियों से अपने आप को बचा कर अपने इस गोल को अचीव करने के लिए आप यहाँ आए है ना ये आपने क्या किया अपने ऊपर काबू पाकर अपने आप पर कंट्रोल करके आपने ये यह काम यहाँ किया क्योंकि आपका एक गोल है एक एम है कि मुझे कुछ बनना है मुझे कुछ हासिल करना है यह है हमारी ज़िंदगी का एक गोल हमारी ज़िंदगी का एक एम और ऑब्जेक्टिव जो हम में से हर एक ने सोचा है और उसको हासिल करने के पीछे हम लगे हुए हैं लेकिन मेरी बहनों क्या हमने कभी ये भी सोचा है कि हमारी जिंदगी का एक और भी गोल है, है ना वो क्या है आख़रत की कामयाबी है ना तो उसके लिए हमको ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें छोड़ दो और बस उसी के पीछे लगो नहीं बल्कि आपको दीन और दुनिया दोनों में भी आपको बैलेंस करना है तो ये कुछ इथिक्स होती हैं तो मैं ये बता रही हूँ कि जो टेक्निकल नॉलेज है जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको भी इस्तेमाल करने की इथिक्स हमको आना चाहिए और हम उसका उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारे लिए वो फ़ायदा मंद हो हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला हो मुसलमान घर में पैदा हुए मुसलमानों का स नाम रख लिया हमने इसको दीनदारी समझा जबकि ये जो इबादत हैं हमें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करती हैं और वो इबादत है कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा की बंदगी में गुज़रे समझ रहे हो नमाज़ पांच बार क्यों पढ़ाई जाती है नमाज हमारे लिए एक रिमाइंडर है क्या है रिमाइंडर है कि हम पांच मर्तबा हमारे जहन में ये बात डाली जा रही है कि तुम्हारा मालिक तुम्हारा आखा तुम्हारा पैदा करने वाला वो एक है जो तुम्हें देख रहा है तब हम नौजवान हैं माशाल्लाह तो हमको ये देखना है अपने आप से सवाल भी करना है कि नमाज क्यों पढ़ाई जाती है क्योंकि हम नौजवान हैं माशाल्लाह हमको दीन को समझना होगा क्यों हर चीज़ पर आप सवाल उठाइए और उस सवाल का जवाब भी तलाश कीजिए उस सवाल के जवाब को ढूंढिए और फिर देखिए जब आप ढूंढकर कर उसको भी अमल करेंगी और साथ में आप अपने इस गोल को अचीव भी करेंगी तो आप देखिए आपकी पर्सनालिटी कितनी बेहतरीन पर्सनालिटी बनेगी आप एक अच्छे ऊंचे मुकाम पर अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद वहाँ से अगर आप अल्लाह की बातों को अल्लाह की तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँगे तो लोग उसकी तरफ़ मुतवज़े होंगे उसको सुनेंगे उसको समझेंगे और हमारी जो नौजवान लड़कियाँ हैं ये नौजवान लड़कियाँ इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव हैं है ना नुमाइंदा हैं आप, आपका अमल जैसे होगा समाज में लोग इस्लाम को समझेंगे आपके ज़रिए है ना हमारे ज़रिए मुसलमानों के ज़रिए से लोग इस्लाम को समझेंगे बहुत कम ऐसे होंगे जो किताबों को पढ़ेंगे कुरान को पढ़ेंगे हदीस को पढ़ेंगे है ना बहुत कम रहेंगे नेट पर जाएंगे सर्च करेंगे लेकिन बहुत से लोग हमारे अतराफ़ में जो लोग होते हैं वो इस्लाम को हमारे अमल से समझते हैं हम मुसलमानों का सा नाम रखकर जो अमल करेंगे लोग उसी को इस्लाम समझेंगे है ना अब आप देखिए कॉलेज में अगर एक लड़की है मुस्लिम लड़कियाँ हैं कुछ कुछ लड़कियाँ बुरख़ा पहन रही हैं हिजाब कर रही हैं कुछ लड़कियाँ है नहीं कर रही तो हमारी जो दूसरी बहन है उनके जहन में ये सवाल आता है कि ये भी मुस्लिम है ये भी मुस्लिम है ये हिजाब कर रही हैं ये नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही है? सवाल पूछते हम क्या जवाब देते हैं हमारा जो जवाब रहेगा वो इस्लाम को पेश करेगा है ना इस्लाम को समझाने वाला जवाब इस्लाम का तारुफ इस्लाम का इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके अंदर अगर हम ऐसे ही गोलमोल सा जवाब दे देंगे तो आप इस्लाम का इंट्रोडक्शन पेश नहीं करे तो आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं वहाँ इस्लाम एक मौजु बहस है एक टिप ऑफ द टंग ऐसा वो पॉइंट बना हुआ है कि लोग सब पूछ रहे हैं कि क्या है ये तो यहाँ हमको अपने इल में बैलेंस लाना है हमें तो ये बैलेंस हमारी जिंदगी में अगर आएगा तो आप देखिए हमारी पर्सनालिटी भी बैलेंस्ड पर्सनालिटी रहेगी और हम इस्लाम के एक अच्छे नुमाइंदा इस्लाम के अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हम बनने बनेंगे इन है ना तो हम इस बात को जहन में रखें और एक बात ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला खबीर है बारीक भी हैं और बाबर है वो हम सब पर निगाह रखे हुए है है हम सबको उसने इस दुनिया में भेज दिया अल्लाजी खलखल था वल हयाता लिया बलुआ अहसनु अमला कि उसने मौत और हयात को इसलिए बनाया ताकि वो ये देखना चाहे कि तुम में अच्छा काम करने वाला एक्सलेंस वर्क करने वाला कौन है तो अल्लाह ये देख रहा है आपको और मुझे सबको देख रहा है है ना सब पर उसकी निगाह है सबको वो देख रहा है तो ये बात हमारे जहन में आए कि हम जहाँ कहीं हो हमारे ये जहन बात रहा है कि अल्लाह देख रहा है तो ये जो साइंसी एजादात है, इनोवेशंस हैं ये हमारे लिए अल्लाह को और उसके कमालात को समझने में हमारे लिए मदद करता है है ना अब माशाल्लाह आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारा आप वहाँ पढ़ रहे हैं जितना भी आप बॉडी का निज़ाम वहाँ पढ़ेंगे आप देखेंगे कितना बारीक निज़ाम है है ना आप ब्रेन को देख लीजिए हार्ट को देख लीजिए है ना कितना बारीक निज़ाम है तो वो पढ़ते हुए आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने कैसी चीज़ें बनाई हैं है ना कितनी बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं क्या निज़ाम है उसका है ना तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे अतराफ़ में फैली हुई हैं और हमारा अपना जिसम भी ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं है ना इस पर ग़ौर विक्र करना है और कुरान दावत देता है ग़ौर व फिक्र की तो कुरान ऐसी किताब है जो हमें अल्लाह ताला पर हमारे जो ख़्यालत हैं हमारी जो चीज़ें और हमारा अखीदे को मज़बूत करने वाली चीज़ें तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ पर हम नीट की अच्छी से तैयारी कर रहे हैं वहाँ हम कुरान को भी हम अपने सामने रखें कुछ हिस्सा हम रोज़ आना पढ़ें इधर एकेडमिक्स में भी हमारे बहुत अच्छे नंबर से हम कामयाब हों पास हों यहाँ भी और साथ ही हम कुरान को भी हम समझने की कोशिश करें डिस्कशन करें आपस में हा? जो भी चीज़ें हैं उसको ग़ौर करने की कोशिश करें आप देखिए हमारे जितने भी असलाफ थे गुजरे हुए लोग थे उन्होंने कभी भी दीन और दुनिया की तफरीक़ नहीं की बल्कि दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ लेकर चले इल नाफ़े और गैर नाफे, है ना बेनिफिशियल और हार्मफुल एजुकेशन उसका जो है तफरीक है दीन और दुनिया की तफरी इस्लाम में नहीं है हम एक बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे मुस्लिम डॉक्टर बनेंगे इन मुस्लिम मुस्लिम के मायने हैं इताद गुजार और फर्मा बरदार तो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी आप लोग ग़ौर फिक्र कीजिए पढ़िए मुताला कीजिए और अपने आप में अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए एक अच्छा दुनिया में भी एक अच्छा मुकाम हासिल करें और आखिरत में भी कामयाब होने की हम कोशिश करें तो अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इस दुनिया में भी और आख़रत में भी कामयाब करे और इल्म हासिल करने वाला ग़ौर फिक्र करने वाला हम सब को बनाएँ आमीन आखिर अनिलहमदिल्ला रबीआलम